तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मक्खन तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। अम्मा जी, आप ये डेली बनाती हैं, रोजाना बनाती हैं? जी हाँ। सही, तो आप लोग थकते नहीं हैं हाथ से बनाते हो? नहीं, नहीं, नहीं थकते। अच्छा, ये भी इस तरफ एक किचन है।
और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं कि मूली वाले पराठों के लिए रेसिपी तैयार की जा रही है। ये अभी क्या बनाने लगे हैं? चाय बना रहे हैं। सही हो गया। तो आपके लिए मुश्किल नहीं होती गांव में कुकिंग करना? बिल्कुल नहीं होती। ये जी अभी आप देख सकते हैं आग बुझ गई है। इस तरह से मुश्किल होती है आग जलाने में। ये जी अभी मूलियाँ और गाजरें जो हैं बॉईल की हैं पराठे का पेस्ट बनाने के लिए। क्या बात है? ये अभी देख सकते हैं आप मकई की रोटी बनाई जा रही है। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बाबा जी की हाल चाल है? ठीक ठाक। ठीक हो? दुआएं। आ केड़ा इलाका है? ये इलाका है के 97 दा चन्नण पीर दा चोलस्तान दा। हां चोलस्तान दा। सही। ते तुसी पिछो केड़े इलाके दे सी? असि जो फैसलाबाद। अच्छा ते इत्थे आया तानू किन्ना अरसा हो गया? इत्थे अरसा सानू हो गया 40-45 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। ते तोडी उम्र कितनी है? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ 80 ਸਾਲ। 80 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਔਲਾਦਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ 111 ਚੱਕ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਮੱਕੂਵਾਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਾਤੋਂ ਛੋੜ ਆਏ ਤੁਸੀਂ?
बस किस्मत दम कर। अच्छा ये देखें जी, अभी ये मूली वाले पराठे बनाए हैं, तो अभी इनको पेश करते हैं खाने में। ये आप देख सकते हैं मकई की रोटी भी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। दस्तरखान लग गए तो मकई की रोटी शक्कर। ये जी इन लोगों का कमरा है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है अंदर से। कमरे के अंदर आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से पुराने ज़माने में होता था, शेल्फ बनी हुई है और उसके ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, और इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं कि पेटियां रखी हुई हैं सामान वगैरह के लिए। ये इन लोगों का कमरा है अंदर से। और अंदर से आप देख सकते हैं ये कमरा बिल्कुल सिंपल और सादा है और ट्रेडिशनल बनाया हुआ है। इसकी छत आप देख सकते हैं ये जंगली लकड़ियों से बनाई गई है, और इसके ऊपर कानों की ये खेप डाली गई है, और एक चारपाई पड़ी है इधर। ये आग वाली इस्त्री है, तो यहाँ पर बिजली नहीं होती इसलिए आग वाली इस्त्री इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर लाइट की सहूलत मौजूद नहीं है इसलिए यहाँ पर सोलर प्लेट रखी गई है बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए। और ये इनका दूसरा कमरा है, ये इस तरफ आप देख सकते हैं